हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा रेसिपी है विट्टी केक। एक फ्राइड केक रेसिपी है जो साउथ के टी स्टॉल्स में बहुत ही एक फेमस स्नैक है। आप इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं विट्टी केक। विट्टी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून सूजी, 1 अंडा, 2 पिंच टर्मरिक पाउडर या आप येलो फूड कलर भी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा और तेल। सबसे पहले हमें सूखी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला के रखना है, तो उसके लिए मैदा, सूजी, नमक और बेकिंग सोडा, इन चारों को अच्छी तरह मिक्स करके हटा के रख दीजिएगा। अब एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें अंडे को डाल के अंडे को अच्छी तरह बीट करना है हमें सबसे पहले। तो उसके लिए या तो आप विस्कर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी अच्छी तरह उसको अच्छी तरह बीट कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लफी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो पाउडर्ड शुगर रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा करके अंडे के साथ मिक्स करते जाइएगा। अच्छी तरह से चीनी और अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अच्छी तरह आप अंडे और चीनी को मिक्स कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह मिक्स होने के बाद 2 टेबलस्पून तेल, हल्दी पाउडर और इलायची का पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपके पास येलो फूड कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपका विट केक जो है थोड़ा और अच्छे कलर में आएगा, येलो कलर में दिखेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर यूज़ किया है। अब सारा मिक्स करने के बाद हमारा जो मैदा है वो डाल के, जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह हमें इसको गूंथ लीजिएगा। हमारा डो यहाँ पर तैयार है। अब कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखना है। 2 घंटे हो गए, चलो विट्टी केक बनाना शुरू करते हैं। हमारा डो जो लिया है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और उसमें से एक पार्ट लेके आप उसको अच्छी तरह रोल कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज़ में आप इसको रोल करके ले लीजिए। रोल करने के बाद
इसके छोटे छोटे पीसेस हमें काटने हैं। अब देख सकते हैं हमें इसके छोटे छोटे पीसेस काट के रखने हैं। ऐसे ही हमने जो दूसरा पोर्शन रखा है उसका भी हमें ऐसे ही रोल करके छोटे छोटे पीसेस काट के रखने हैं। अब इन छोटे छोटे पीसेस को आपको स्क्वायर का शेप देके डायगनली उसमें कट डालना है। तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये कट जो है वहां से ये एक फ्लावर की तरह फूल जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे पीसेस में कट डालते हैं। तो चलो अब हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप तेल ले लीजिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गर्म होते ही आप उसमें हमारे जो छोटे छोटे विट केक पीसेस हैं वो डाल दीजिएगा फ्राई करने के लिए। विट्टी केक जो है बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी हो गए हैं और तेल में फ्लोट करने लग गए हैं। अब हमें इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चलो हमारा वेट केक यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फूल की तरह फूल कर आ गया है ये। 3 से 4 दिन तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन आल्सो। प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।